दीपावली के निमित्त लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और हम कहाँ आए हैं गुरुद्वार पर आए हैं ये बापूजी का स्नेह ही है जो हमको कहाँ लाया है गुरुद्वार पे लाया है बापूजी का असली खजाना है ना जो बापूजी का जो स्नेह है ना वो भले आठ साल हो गए हैं मगर हमारे हृदय में अभी भी है ना इसलिए हमारे को बापू जी का संदेशा आया तो हम अहमदाबाद आश्रम आ गए आए कि नहीं और साथ में कईयों को लाए हैं कोई डीसा से आए कोई अहमदाबाद से आए कोई वलसाड़ से आए कोई साबरकांठा से आए हैं नवसारी से कोई आए कोई दाहोद से आए कोई भावनगर से आए कोई गोधरा से आए कोई सूरत से आए कोई अमरेली से आए कोई राजकोट से आए कोई जूनागढ़ से आए कोई जामनगर से आए आए कि नहीं आए बापूजी आपके द्वार पे आए थे तो हाथ ऊपर को रहा बापू जी हमारे द्वार पे आए थे आए थे आए थे? थे? थे हमको सत्संग दिया था आनंद आया था आये। तो इसलिए ने प्रेम का रंग रंग लगा दिया तो वो रंग हमको यहां तक ले आया है कि नहीं हमारे समिति के वरिष्ठ गुरु भाई यहाँ सब विराजमान हैं आज कईयों का सेवा साधना उनकी समितियों के सेवा कार्य भी हमको जानने सुनने को मिलेंगे उससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और सच बोलूं तो गुजरातवासियों को जितना बापूजी का सानिध्य मिला है तो प्रचार की जिम्मेदारी भी किसकी है हमारी है एक सवाल पूछता हूं आज तक बापूजी से कौन रूबरू मिला है कभी बात हुआ हो या बापूजी से प्रसाद मिला हो हाथ ऊपर कीजिए कभी नजदीक से दर्शन हुआ हो हुआ है ना किसी की बात हुई किसी को बापूजी ने प्रसाद दिया किसी को यहाँ व्यासपीठ पे बुला के प्रसाद दिया भाई तुम समिति की सेवा संभालो तुम जिम्मेदारी संभालो बापूजी ने हमको अपना विश्वास विश्वास पात्र माना ना माना कि नहीं हाँ के ना माना तो बापू की गैर हाजिरी में बापू का विश्वास बना रहे ये सेवा कार्य ये समितियाँ ये आश्रम ऐसे सुचारू रूप से चलते रहिए जिम्मेदारी किसकी है बताइए किसकी है आवाज नहीं आई किसकी है हमारी है बापूजी ने हमको विश्वास करके जिम्मेदारी दी है मैं सच बोलता हूँ बापूजी जिस दिन ये व्यासपीठ पे पधारेंगे ना जैसे लोग अयोध्या में राम जी की बात जो रहे थे कि राम जी आने वाले हैं तो जिस दिन बापूजी जी ये व्यासपीठ पर आएंगे ना तो हमारी आंखें हमारा हृदय गवाही देना चाहिए कि बापू हमने आपसे ये आठ सालों में निभाया हमने समिति के जो सेवा कार्य आपने दिए जो आश्रम की व्यवस्था आपने संभालने को बताई वो हमने जिम्मेदारी से निभाई है आज के इस सम्मेलन का आयोजन भी पूजे गुरुदेव के दिशा निर्देश बापू की प्रेरणा और बापू की आज्ञा से हो रहा है ये सम्मेलन क्यों हो रहा है इसकी क्या भूमिका है ये बताने के लिए मैं हमारे बीच में बाड़मेर से चन्नाराम जी आए हैं मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि गुजरात राज्य की समितियों के इन साधकों का मार्गदर्शन करें ये सम्मेलन का उद्देश्य बताएं कि हमने ये अहमदाबाद आश्रम में ये सम्मेलन क्यों रखा है और उन्होंने अपने राजस्थान में जो सम्मेलन किया था उससे उनको क्या अनुभव मिला आप सभी की दिल में बिराजे मेरे गुरु तत्व तो को कोटि कोटि प्रणाम हरिओम बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे राजस्थान के जैसे हमारे वहाँ बैठक हुई वैसी आज गुजरात में हो रही है और सभी समितियाँ पधारे हैं पहला हमारा जो बैठक हुआ राजस्थान का राजस्थान समितियों का पहले ही बैठक में पुजेश्वरी का आशीर्वाद मिल गया था 11 जुलाई 2021 को जोधपुर आश्रम में हुआ पहला बैठक तब तेरह समितियाँ ही आई थी तेरह समितियों के पचास साठ लोग थे दूसरी चौबीस जुलाई का हुआ तो उसमें लगभग उन्नीस समितियाँ और सौ के आसपास साधक लोग आए थे तब दो बार दोनों बार श्री का जब आशीर्वाद मिला तो और समितियों तक बात पहुँची तो निवाई में जब तीसरी बैठक हुई तो उसमें लगभग चार सौ लोग आए और 30 समितियां आ गई बीच में हमारी एक कार्यकारिणी की बैठक हुई जैसे 11 जुलाई को बैठक हुई उसमें एक कोर कमिटी बनाई गई कोर कमेटी के 16 सदस्य बनाए गए जो सेवा कार्य संभालने के लिए उनको अलग अलग संभाग दिए गए जिसमें कह, 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 क्या सेवा करना है तो जब निवाई में बैठक हुई तो वहां इतनी संख्या बढ़ने के कारण एकदम सबका बहुत मजबूत हो गया सबका संकल्प ही मजबूत हो गया और जब कोर कमेटी बनी उस समय भी बताया फिर अभी जयपुर में बताया बोले जैसे आपने राजस्थान की कमेटियाँ बनाई है संगठन बनाया है ऐसे और राज्यों को भी बताओ और राज्यों में भी बने और फिर सब राज्यों का बन जाएगा तो आप एक राष्ट्रीय स्तर का भी संगठन बनाओ अब उसके पीछे क्या करना है और क्या करना है कई लोग पूछते भी हैं कि इससे क्या हो जाएगा मेरे को एक किसी ने समिति वालों प्रश्न किया बोले इससे क्या हो गया आप लीगल का क्या देख रहे हो और अब लीगल का जैसे मेरे को याद आ गया तो आपको बता दूँ कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि लीगल के बारे में ध्यान नहीं देते हैं अपने इसमें आ, टीम जो है लीगल टीम है उसका दोष है या बोलते हैं जज अच्छा नहीं है या वकील अच्छा नहीं है प्रभु जो चीज़ सामने देखी जा एक सुनी जाती है वो गलत हो सकती है देखने में भी मुट्ठी में बंद है तो दिखाया तो आपने हो सकता है उसमें कम दिखो लेकिन मैंने आपसे बातचीत किया है और सामने है वो एक मज़बूत चीज होती है तो जिस समय बापू जी के लिए जो लड़की घटना बता रही है 15 अगस्त 2013 रात को 10 बजे से साढ़े ग्यारह तो हम बाड़मेर के सात लोग सात से आठ लोग वहाँ नौ बजे पहुँचे थे और रात को ग्यारह बजकर पचास मिनट तक हम बापू जी के सामने थे और बातचीत हुई हमारी मैं हम न्यायालय का सम्मान करते हैं न्यायालय सत्य साबित करता है ऐसा है वैसा है तो मैं कैसे मानूंगा कि न्यायालय ने जो न्याय दिया है वो सत्य है कैसे मानूंगा क्योंकि मैं उस समय जिस समय की बात बता रहे मेरे सामने थे तो हो सकता है कि न्यायालय तक वो बात नहीं पहुंची हो हम पास में थे तो किसी के मन में ये भी शंका संक, हो सकती कि वहाँ बात नहीं पहुंची हो लेकिन मैंने खुद ने बयान दिया है वहाँ जो अपना केस चला उसमें मैंने खुद ने बयान दिया है सामने से बातचीत हुई है और जज के सामने ऐसे भी बताया कि ये देखिए ये मेरा फोटो है मेरे पास फोटो था मैंने ये मेरा फोटो है और ये फोटो देखिए जैसे सामने बैठे हैं इतने वहाँ लगभग सौ सवा सौ लोग थे इसमें मेरा फ़ोटो सबसे आगे है और बापू जी के सामने बैठा हुआ मेरा फ़ोटो भी है उसने फ़ोटो देखा ऐसे गोला भी किया और कई प्रश्न भी किए जैसे मैं बोलता जा रहा था कंटिन्यूस भाई वहाँ ये ये हुआ ये हुआ पूरा बताऊँगा तो अपने पास समय भी कम है तो उसके बाद में जो मेरे पास में तीन वकील खड़े थे उसमें से एक वकील ने तीन होते हैं उसमें प्रश्न एक ही भी कर सकता है तो दोनों ने बोला कि ये नहीं इनको ये पूछो तो उसने मना किया कि नहीं भारी पड़ रहा है ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा उगल लेगा तो वो और मजबूत हो जाएगा तो उन्होंने प्रश्न पूछने भी बंद कर दिया जो मैंने बताया वो सुन लिया और कई बार ऐसे प्रश्नोत्तरी जैसे हुई तो उसमें उत्तर एकदम परफेक्ट मिला उनको थोड़ा लगा कि ये एकदम सही जा रहा है तो प्रश्न करना भी बंद कर लिया तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ मैं कैसे ऐसे बताऊँ कि ये न्यायपालिका जो न्याय दे रही है ये स्वतंत्र रूप से और सत्य दे रही है हाँ कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है लेकिन कार्यपालिका ये सब जो जानते हैं उनको पता है कि कार्यपालिका के अंडर में आजकल वही काम करती है जो कार्यपालिका चाहती है अब कई बार ऐसे कई बार ऐसे भी मैंने सुना है बोले आप ये आश्रम वाले दबाव डालते हैं गुरु के ऊपर और उससे वो बोला जाता है तो मेरे को एक याद आया वो थोड़ा समय का मैं बता देता हूँ 2014 में हॉस्पिटल करोड़ में गुरुजी एडमिट थे वहाँ मैं भी एडमिट था वहाँ तीन बार आए तीनों बार जैसे लगभग बाईस दिन ऐसे तो वहाँ जैसे जिस दिन गुरुजी छुट्टी लेके जाने वाले होते हैं जैल मंदिर की ओर उस दिन वैसे तो पांच पुलिस वाले रहते हैं जिस दिन जाने वाले उस दिन एक सी के साथ में उसकी पूरी टीम होती है बीस से पच्चीस कॉन्स्टेबल के साथ में तो बड़ा हॉल था उसमें गुरु बैठे थे इधर अपने बेड पे तो सामने बेड पे सीआई बैठा था उसके पास में बीस पच्चीस पीलिस खड़े थे तो जिस दिन जाने वाले होते तो उस दिन हमें बुलाते थे, थे बोले सामान लेके गाड़ी में रखना है तो मेरे को आवाज लगाई है बाड़मेर तो भागता हुआ जैसे ही गेट पर ऐसे मैंने पकड़ा तो बोले सियाही सामने भुक जा कहाँ जा रहा है तो गुरु सामने ऐसे बढ़े उसके सामने ऐसे खड़क देकर नहीं मेरा शिष्य है साढ़े तीन खून वहां पे आ जा उसके सामने इतने 20-25 लोगों के सामने इतना दबाव देख ला गुरु जी ने बोलिया था चल पड़े गए और उसने कुछ नहीं सामान उठाया गाड़ी में डालते रहे फिर आए सामान लेने के लिए तब तक एक पुलिस वाले वहां पहुँच रहते थे तो उसमें से एक उसका बैग था उसने कहा बाड़मेर मेरा भी बैग ले जाना तो गुरु ने देखा भाई वो बाहर गया अंदर से इतना आवाज़ लगाया कि बाहर तक आवाज़ दिया बोले मेरा शिष्य है पुलिस वाले का बैग नहीं उठाएगा जहां ऐसे हमारे गुरु जी है दबंग जहाँ एक सियाई जहाँ बैठे हैं उसके सामने ऐसे कह सकते तो ऐसे गुरुदेव है हमारे और हम बोलते दबाव उसे उनके दबाव में नहीं रहते जहाँ कैदी बनकर रह रहे हैं वो तो उनकी मौज है लेकिन दबने वाले गुरु जी नहीं है तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अब बोलते हैं कि आ, 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 बना के क्या करेंगे कैसे करेंगे अब गुरु जी की आज्ञा है बोलते हैं राम राम मंदिर का जो फैसला आया राम मंदिर का फैसला आया तो जज अभी आया पहले जज नहीं थे क्या वकील अच्छे नहीं थे क्या आप एक सोचने की बात है पचास साल से केस चल रहा था राम मंदिर का फैसला अभी कैसे आया हम कुछ भी कर लेंगे कैसे भी कर लेंगे हमारा संगठन मजबूत होगा तो ही हम हम कहने को तो बोलते हैं कि हम करोड़ों में लेकिन हमारे पास सबूत क्या है अभी मैंने राजस्थान समितियों ने एक इकट्ठा होकर एक डेटाबेस uh, तैयार किया है डेटाबेस रखना तो हर समिति को अपने पास है लेकिन आप एक संख्या भेजोगे उस संख्या में भी कैसा डेटाबेस में आपको आगे और uh, विस्तृत रूप से सब डेटाबेस के बारे में भी बताएंगे चौधरी जी आएंगे और भी भाई आएंगे जो डेटाबेस के बारे में तो हमारे वहाँ एक डेटाबेस तैयार किया है और एक अपना चैनल आप देखिए हर छोटे मोटे किसी गायक किसी फिल्मी एक्टर है उसका आपको लाखों में करोड़ों में मिलेगा उसका सब्सक्राइब और हमारे आश्रम का सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा साढ़े चार के आसपास है और हम करोड़ों में किसी एक सबस्क्र... एक का तो अपने करोड़ तक पहुंचे आ, आप कैसे कह सकते हो हम करोड़ों में हैं कौन मानेगा आप सब मैं भी बोलूंगा आप ही बोलोगे करोड़ों में है लेकिन कोई मानने वाला है क्या सबूत है हमारे पास कि हम करोड़ों में हैं जब हम करोड़ों के रूप में हम आगे प्रैक्टिकल दिखाएंगे सामने तो सामने आके झुकेंगे अब आप गुजरात का जैसे हमने संगठन चालू किया तो हलचल मच गई वहां पे भी राजस्थान में भी काफ़ी लोग पूछते हैं और ध्यान भी रखते हैं क्या कर रहे हैं बापू जी वाले कर क्या रहे हैं अब आप यहाँ गुजरात में शुरू किया आप देख रहे हैं दो तीन महीने में अपना संगठन मजबूत बनेगा तो कैसे लोग पूछने आ जाते हैं वो लोग आके चरणों में पड़ेंगे यदि हमारा संगठन मजबूत है तो तो आ, समय की कमी है तो गुरु जी की आज्ञा है गुरु जी की आज्ञा हो जाए कि कल ऐसा ऐसा आश्रम सामने खड़ा होना जाना चाहिए तो ऐसे भी साधक है कि सामने एक नया आश्रम भी खड़ा कर सकते हैं ऐसी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए गुरु जी ने बोलिया संगठन बनाना है तो अब किंतु परंतु नहीं करना हाँ आपको लीगल करना तो करते रहिए वो भी करना शुरू करना लेकिन संगठन के लिए बोला है तो क्या पता आगे क्या होने वाला है गुरु जी की आज्ञा है तो हमें संगठन मजबूत बनाना है बनाना है बनाना है तो सभी मिलकर हम ये जरूर करेंगे आगे आओ सब मिलकर हम एक नया भारत बनाते हैं भारत को विश्व गुरु बनाते हैं और पूज्य बापू जी का संकल्प भारत विश्व गुरु उस संकल्प को हम भी उसमें भागीदारी निभा रहे भारत गुरु तो बन के रहेगा लेकिन हम कितनी हमारे में है कि हम उनके साथ में चलते हैं भारत के नौ जवानों भारत, भारत को दिव्य बनाना भारत को दिव्य बनाना है लेकिन अब हमको क्या करना है भारत को विश्वगुरु बनाना है बापू के संकल्प को साकार करने में हमारी भागीदारी निभाना है केस और बापू जी का स्वास्थ्य और बापू जी की चिकित्सा आश्रम की तरफ से और बापू जी के निर्देशानुसार किस प्रकार चल रही है मैं उदय भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने विचार और साधकों के मन में जो संशय है उनको निवारण करें पूज्य श्री सदगुरुदेव न चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम अने गुजरात भर थी आधा जूना साधकों જે સમિતિના હોદ્દેદારો છે એમના પણ હૃદયમાં વિરાજમાન મારા ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી જ્યારથી પૂજ્ય બાપુજી જેલ મંદિરમાં ગયા છે આજે આઠ વર્ષનો ઉપરનો સમય થઈ ગયો જોધપુરમાં ત્યારથી બધાના મનમાં એક જ ઉચાટ ભર્યો પ્રશ્ન છે જ્યારે ગયા ત્યારે પણ એવું લાગતું હતું કે પૂનમ છે તો પૂનમ પર તો બાપુના દર્શન થશે અને આવતી પૂનમે અમે ગમે તેમ કરીને બાપુના દર્શન અમને થઈ જ જશે એવી રાહ જોતા જોતા આજે આઠ વર્ષની પૂનમો વીતી ગઈ અને બધાના હૃદય ખૂબ જ વ્યથિત છે બધાના હૃદયોમાં ખૂબ જ વ્યાકુળતા છે કે હવે અમને ફરી પાછા બાપુના દર્શન વ્યાસપીઠ ઉપર વિરાજમાન હોય એવા ક્યારે થશે ફરીથી ક્યારે એક બાપુજીના શ્રી મુખેથી અમને જ્ઞાન ગંગા નો અમૃત પ્રસાદ મળશે આ દરેકના હૃદયની વ્યથા છે અને બાપુજીની શારીરિક દ્રષ્ટિએ ઉંમર જોતા હવે જે સ્વાસ્થ્યમાં પણ જે ઉતાર ચઢાવ આવી રહ્યા છે એના સંદર્ભમાં પણ આપણે સૌ ખૂબ જ વ્યથિત છીએ અંદરથી કે ભાઈ બાપુનું સ્વાસ્થ્ય દિવસે દિવસે નબળું થતું જાય છે તો આપણે એના માટે આગળ શું અત્યારે હાલમાં સ્વાસ્થ્યની પરિસ્થિતિ શું છે અને બાપુને સારામાં સારું સ્વાસ્થ્ય મળે રહે એના માટે સારામાં સારો ઈલાજ મળતો રહે એના માટે આપણે શું કરી શકીએ આપણે આ દરેકના હૃદયના પ્રશ્નો છે દરેકની મનની વ્યથા છે આ સૌથી પહેલાં બાપુજીના સ્વાસ્થ્યનું આપણે વિવરણ જોઈએ તો આ વસ્તુ દરેકની સામે જ છે કે બાપુજીને કોવિડનું બી તકલીફ પડી હતી એમાંથી બાપુના પ્રાણબલથી અને બાપુના દમખમથી બાપુજી સ્વસ્થ રૂપે બહાર આવી ગયા છે હજી પણ એમ તો ના કહી શકાય કે બાપુજી પૂર્ણ રૂપે સ્વસ્થ છે પણ છતાં પણ પહેલાં જેટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી એના કરતાં ઘણો ખરો સુધારો છે અને પોસ્ટ કોવિડ કોમ્પ્લિકેશનના રૂપમાં અત્યારે હાલમાં જે પ્રોસ્ટેટની જે તકલીફ થઈ છે અને એને લીધે કેથેટર લગાવવાની જરૂર પડી રહી છે કેથેટર જે લગાવ્યું છે એમાં વારંવાર ચેકઅપ માટે ફોલોઅપ માટે બાપુજીને એમ્સમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને એક બે વખત વગર કેથેટર પણ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું કે કેવું રહે છે પણ એના સિવાય જે બાથરૂમ પસાર થવો જોઈએ એ નહીં થઈ રહ્યો એટલે કેથેટર ફરીથી લગાવવામાં આવી રહ્યું છે આ અત્યારે હાલની વર્તમાન પર પણ જે પ્રોસ્ટેટની જે સાઇઝ જે હતી જે પહેલાં જે હતી એના કરતાં ફરીથી નોર્મલ થવા ઉપર આવી રહી છે અને ઓછી ઓછું થઈ રહ્યું છે તકલીફ જે હતી પહેલાં એ ઓછી થઈ રહી છે અને સ્વાસ્થ્ય સુધારા પર જ એમ કહી શકાય પૂર્ણરૂપે સ્વસ્થ છે એમ તો હાલમાં તો કેવું મુશ્કેલ છે પણ છતાં બી સ્વાસ્થ્ય થઈ રહ્યા છે એવું આપણે કહી શકાય એટલે એ વસ્તુ સ્વાભાવિક છે કે બાપુ માટે બી આપણું કર્તવ્ય બી બને છે અને આપણું એક શિષ્ય ધર્મ પણ છે કે આપણે વ્યથિત હોઈએ આપણે કે ભાઈ શું થઈ રહ્યું છે સ્વાસ્થ્યમાં પણ સૌથી વધારે દુઃખદાયક અને પીડાદાયક વસ્તુ એ છે કે બાપુનું સ્વાસ્થ્ય તો ખરાબ જે તે સમય પર થયું અત્યારે પણ છે હાલમાં સુધારા ઉપર છે પણ એને લઈને સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં ભ્રામક વાતો ફેલાવીને આપણા સાધકોના હૃદયને વધારે વ્યથિત કરવામાં આવી રહ્યા છે આ એક બહુ મોટું એક ઊંડું અને ઘેરું એક ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે કે બાપુને વાતો એવી એવી આવે છે કે આપણે એમ વિચારીએ તો આપણા રૂવાટા ઊભા થઈ જાય કે એવી વાતો ફેલાવામાં આવે કે બાપુની કિડની ફેલ થઈ ગઈ બાપુજીને આમ થઈ ગયું બાપુજીને તેમ થઈ ગયું હવે બાપુજીનું શરીર કેટલા દિવસ ટકશે આવું વિચારવા સુધાથી આપણા હૃદય કાપી ઉઠે છે અને આ લોકોને બોલવામાં બી શરમ નથી આવતી જ્યારે હકીકત વસ્તુ છે કે એટલી ગંભીરતા નથી બાપુજીનું સ્વાસ્થ્યમાં નો ડાઉટ બાપુજીનું સ્વાસ્થ્ય ગંભીર હતું વચમાં થયું હતું એનાથી અત્યારે હાલમાં સુધારા ઉપર છે અને પૂર્ણરૂપે સ્વસ્થ છે એવું હું નથી કહી રહ્યો છતાં પણ આવી બધી વાતો ફેલાવીને હૃદયના સાધકોના જે દિલ જે દુભાય છે એનું કારણ શું છે ક્યારેક કોઈએ કંઈક વિચાર કર્યો છે એ બાબતમાં થોડો કે આવું ફેલાવાની પાછળ આવું બધું બકવાસ બધી વાતો કરવાની પાછળ કારણ શું છે તો આવું કરીને જે આ વાતો ફેલાવે છે એના માટે જન્માષ્ટમીના સત્સંગમાં બાપુએ નામજોગ બી ખુલ્લી રીતે બી કીધું કે આવા બધા લોકો આવી અનર્ગલ વાતો ફેલાવે છે કરીને એ શેના માટે કે આવી વાતો ફેલાવે પછી સાધકો પાસેથી પૈસા એ લોકો લૂંટે છે કે બાપુને સારામાં સારો ઇલાજ મળે એટલા માટે અમે આમ કરશું તેમ કરશું બાપુના કેસ લડવા માટે અમે આ વકીલ લાવશું તે વકીલ લાવશું એમ કરીને આજે આપણા ઘણા સાધકો પાસેથી ઘણા ખરા પૈસો લેવામાં આવ્યા છે અને હજી પણ લેવામાં આવી રહ્યા છે એના માટે સાવધાન થવાની જરૂર છે એના માટે આપણે એવું કોઈ જો કરતું હોય આપણને કોઈ જાણકારી મળે આપણી સાથે થાય અથવા કોઈ અન્ય સાધકો સાથે એવું થઈ રહ્યું હોય તો એની જાણકારી તાત્કાલિક રૂપે અમદાવાદ આશ્રમ અખિલ ભારતીય કાર્યાલયમાં આપવી એ વસ્તુનું ખાસ સાવધાની રાખવી બાકી બાપુજીના સ્વાસ્થ્યની સંબંધિત જે કંઈ બી વિગતો છે એ ઓફિશિયલ આશ્રમથી મેસેજ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવી જ રહી છે સાધકોને એટલે સાધકો આવા ભ્રામક પ્રચારોથી દૂર રહે અને ભ્રામક પ્રચારોથી બચે એવી મારી પ્રાર્થના છે સહુને બીજી વસ્તુ આવે છે કે જેમ ચંદારામભાઈએ કીધું કે બાપુજી પાસે બાપુજીને દબાવીને આવી રીતે કેવડાવવામાં આવે છે કે બાપુજીને દબાવમાં રાખીને આશ્રમવાળા કંઈ કેવડાવે છે શું આ વસ્તુ શક્ય છે શું આપણે બાપુજીને ગુરુ એ એક સાધારણ મનુષ્ય માનીને આપણે બાપુજીને ગુરુ માન્યા છે બાપુજી કોઈની વાતમાં આવી જશે અને બાપુજી એની વાત ઉપર ભરોસો રાખી અને કંઈ પણ વસ્તુ કહી દેશે કે કંઈ પણ વસ્તુ વસ્તુ કરી નાખશે એ એ શક્ય છે ક્યારેક આપણે આપણા હૃદયની ગહેરાઈમાં પણ આપણે વિચારીએ તો પણ આપણને લાગે કે શું ફાલતુ બકવાસ વાત છે આપણું સંગઠન જે છે એને વધારે હવે આપણે સક્રિય બનીને આપણે આગળ મજબૂત કરવાનું છે દરેક રાજ્ય સ્તરીય આવી આપણે સમિતિઓ બનાવવાની છે દરેક અને પછી રાષ્ટ્રીય સ્તરીય પણ આવી આપણે કમિટી બનાવવાની છે જે જૂના જૂના લોકો છે સુરતથી વડોદરાથી એમને ખબર હશે આપણે આ જ બાબતમાં આપણે બાપુજીને ઘણી વખત અગાઉ બી પ્રાર્થના કરી હતી કે બાપુ આવી રીતનું અમે સંમેલન કરીએ કે જ્યાં આપણા દેશભરમાંથી રાજ્યભરમાંથી આપણા સમિતિવાળા જે મુખ્ય સક્રિય સાધકો છે એ લોકો ભેગા થઈ અને બાપુજીને કઈ રીતે બહાર લાવવા આપણું પોતાનું સંગઠન મજબૂત કરી અને એ એ દિશામાં અમે પ્રયાસ કરીએ તો એટલે હવે આ જરૂર છે જેમ ચંદારામભાઈએ એક પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે ઘણી સમિતિઓમાં અમે ચર્ચા કરી વાતચીત કરી તો બધા કે સંગઠન કરીને શું કરશું કઈ થતું તો છે નહીં આટલા વર્ષો થઈ ગયા આમ છે તેમ છે આવી હતાશાવાળી વાતો કરે છે નહીં હતાશાવાળી વાતો નહીં બાપુજી જે કહે છે બસ એટલું બે ડગલા આગળ તો ચાલીને જુઓ જેટલું કહે છે એટલું તો આપણે કરીએ બાપુજી કે છે કે સેતુ બાંધવા માટે જેની જેવી ક્ષમતા હતી એ રીતનો પ્રયાસ કર્યો તો જે નાની પેલી ગિલેરી હતી કે કે હું શું કરવા બાકાત રહી જાઉં તો એણે બી પોતાનો પ્રયાસ કર્યો છે એવી રીતે દરેકે દરેકે પોતાનો પ્રયાસ કરેલો છે આજ સુધી એ વસ્તુમાં સંદેહ નહીં કરવી જોઈએ હકીકતમાં આ વસ્તુનો સંદેહ ફેલાવી અને આ વસ્તુની ભ્રમણા ફેલાવી કે આશ્રમવાળાએ સરખું કાર્ય નથી કર્યું આશ્રમવાળાઓ નથી ચાહતા કે બાપુજી બહાર આવે અરે આશ્રમવાળાએ તો પોતાનું જીવન લગાવી દીધું છે નછાવર કરી દીધું છે બાપુના ચરણોમાં શું કરવા બાપુજીને લાવવા માટે બહાર નહીં જાય એનું એક તો કારણ કોઈ બતાવે સમજાવે એ બધી વાતો નહીં બસ ખાલી એમ જ વાતો ફેલાવવામાં આવે છે એનું કારણ શું છે એની પાછળની મનશા શું છે એ વસ્તુ સમજવાની વાત છે કે આપણા સાધકો અને આશ્રમ વચ્ચે સંઘર્ષ કરી અને જેમ હમણાં બાપુજી જન્માષ્ટમીના સત્સંગમાં બી બોલ્યા કે આશ્રમને પચાવી પાડવાની એ લોકોની ત્યાં સુધીની એ લોકોની મનશા છે કે આશ્રમમાં આશ્રમવાસીઓને બદનામ કરો આશ્રમવાળાઓને એ કરો મારપીટ કરો ભગાવી દો જેમ તેમ કરીને મુખ્ય જવાબદારીઓ સેવા સંભાળવાળું કોઈ નહીં હોય તો પછી આપણા લોકો આશ્રમમાં ઘૂસીને આશ્રમ ઉપર કબજો કરીએ આટલી એ લોકોની મલિન મુરાદ છે આટલી હદ સુધી એ લોકો નીચે પડી રહ્યા છે અને એ બધા ષડયંત્રો હવે ધીમે ધીમે ખુલી રહ્યા છે ધીમે ધીમે એક એક વાતો બહારે આવી રહી છે ને જે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અને આના દ્વારા આપણે ખુલાસો પણ કરી રહ્યા છે સમય સમય ઉપર આજે જેમ પંકજભાઈએ કીધું કે બાપુજી જે દિવસે આવીને વિરાજમાન થશે તો એવું હશે એ દિવસ એવો હશે કે જાણે રામજી સ્વયં પાછા અયોધ્યા આવ્યા છે બાપુજી ફરી જ્યારે વ્યાસપીઠ ઉપર આવીને વિરાજમાન થશે ત્યારે આપણે આપણા સૌ સમિતિવાળાઓ અને જવાબદાર લોકોની એ જવાબદારી છે કે આપણા આપણા ક્ષેત્રમાં આવતા જે સાધકોનું સંગઠન છે અને જે આશ્રમ જે એ વિસ્તારમાં આવી રહ્યા છે એના ઉપર કોઈની કુદ્રષ્ટિ ન પડે એ બધા આશ્રમોનું રક્ષણ થાય એ બધા આશ્રમોને કોઈ પચાવી પાડવાની કોઈની મલિન મુરાદ હોય તો એ પૂરી ના થાય એ આપણા બધા આશ્રમવાસીઓની અને આપણા બધા દરેકે દરેક સાધકોની જવાબદારી છે તે દિવસે આપણે આપણા હૃદય આપણા સાક્ષી આપવા જોઈએ ભલે શક્ય હોય ના હોય કે ભાઈ બાપુજી સામે આપણે રૂબરૂ અહીંયા વ્યાસપીઠ પર આવીને આપણે એ દિવસે આપણે આવી શકશું નહીં આવી શકીએ કોઈની શું પરિસ્થિતિ હશે કે આપણે કહી શકશું કે નહીં કહી શકીએ પણ આપણા હૃદય આપણા સાક્ષી હોવા જોઈએ કે નહીં બાપુજી તમે તમારી ગેરહાજરીમાં પણ અમે જેમ ભરતે ચૌદ વર્ષ સુધી રામજીની પાદુકા ત્યાં રાખીને રાજ્ય વ્યવસ્થા સંભાળી હતી એવી રીતે બાપુજી આપના માર્ગદર્શનમાં અમે સેવા કાર્ય અમે આગળ ઝંપલાવ્યા છે આગળ ધપાવ્યા છે અને આ લોકોની જે મલિન મુરાદ હતી આશ્રમોની પછી પચાવી પાડવાની એ અમે પૂરી નથી થવા દીધી એ આપણું હૃદય ગવાઈ આપવું જોઈએ તો બસ તો આપણે દરેક જણ આપણે સંકલ્પ કરી આજે ગુરુદેવની વ્યાસપીઠની આગળ આપણે બધા વિરાજમાન છીએ આ એ વ્યાસપીઠ છે કે જ્યાંથી આખા ભારતમાં બાપુજીએ અલખ જગાવવાની શરૂઆત કરી હતી આ એ સ્થળ છે કે જે બાપુજી કહે છે આ એ જ મોક્ષકુટીર છે જ્યાં બાપુજી એકાંતમાં સાત વરસ રહ્યા અમદાવાદ આશ્રમની પવિત્ર ભૂમિ એ ભૂમિ છે કે જ્યાં બાપુજી કહે છે કે આ જાબલ્ય ઋષિની તપોભૂમિ રહી છે આજે અહીંયા રહીને આપણે દરેકે દરેક સંકલ્પ કરીએ अमे बापू जी द्वारा आपके आप दरेक सेवा करीशु हरि ओम ओम परम पूज्य बापू जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम आप सभी यहाँ पधारे सभी भाई बहनों को मेरे को हाथ जोड़कर प्रणाम पूज्य बापू एक बार यहीं पर उत्तरायण का शिविर था पूज बापू जी पधारे यहाँ आए देखा यहाँ कौन से लोग बैठे बोले सब सेवादार लोग बैठे अच्छा अच्छा पूज बापू जी ने पूछा क्या चाहिए आपको क्या चाहिए किसी ने बोला जी आपका आशीर्वाद बोले वो तो है इसीलिए यहाँ पहुँच पाए हो फिर बापू जी क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा पूज बापू जी बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी के शिष्य कहलाते तो इससे बड़ा और क्या चाहिए फिर बोले ब्रह्म ज्ञानी के सेवादार कहलाते हो और ब्रह्म ज्ञानी के रजिस्टर्ड सेवादार कहलाते हो इससे बड़ा और क्या चाहिए बापू जी के एक शब्द और है आपको बापू जी क्या बोलते पृथ्वी पर के देव आप लोग सेवादार जो हैं पृथ्वी पर के देव हैं पूज्य जी एक बात बोलते हैं एक से सवा लाख जगाऊ तो बापू जी नाम कहा बोलते हैं सुना है सबने इतनी योग्यता आप लोगों की है एक से सवा लाख जगाओं इतनी एक एक की योग्यता है सवा सवा लाख जगाने की और इस योग्यता को अब उपयोग करने का समय आ गया है हम लोग अपनी योग्यता को उपयोग करें हर तरह से उपयोग कैसे करेंगे एक तो हमारी योग्यता बनी रहे इसके लिए साधना दूसरा सेवा गुरु जी ने जो दैवी कार्य शुरू किए हैं ये हमारी उन्नति के लिए हैं ज बापू जी तो किसी से भी अपने कार्य करा लें। राम जी के समय तो मनुष्यों के बाद बंदरों ने भी भालुओं ने भी सेवा कार्य किए थे परंतु बापू जी की आज्ञा तो जड़ पेड़ भी मानते हैं अब वो चेतन हो गए हमारे हर आश्रम में बड़दादा पूज्य बापू ने स्थापित कराए हैं और वो बड़दादा ही आश्रम का बहुत सारा कार्य करवा देते हैं करवाते हैं कि नहीं हमारे भी सबके कार्य कराते हैं और आश्रम के भी कराते हैं तो बापू की क्षमता तो इतनी है फिर भी हमको समय दिया है मौका दिया है तो हम सेवा आगे बढ़ के करेंगे उसके लिए सिर्फ योग वेदांत सेवा समितियाँ शुरू की हैं सीयोग वेदांत सेवा समितियों के आप सभी पदाधिकारी पधारे हैं इनको सक्रियता से संगठित करना और अधिक से अधिक सेवा कार्य करना उसमें मुख्य सेवा कार्य है पूज बापू जी के सत्संग को ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना याद करो शुरू में सबसे पहले हम लोग भी बापूजी से जुड़े थे तो उसके पहले या तो बापूजी का कोई साहित्य मिला था या सत्संग कहीं सुनने को मिला था तो वह वही फायदा हम दूसरों तक भी पहुंचाएं कि उनको भी ये सत्संग मिले इसके लिए समितियों को अभी काफ़ी दिन से सात साल आठ साल ये हो गए पाँच छः साल पहले कई समितियां बनी थी तो दस से ज़्यादा वर्ष हो गए समितियों को पुनर्गठन नहीं हुए हैं तो पुनर्गठन की जरूरत कहाँ है पुनर्गठन की जरूरत उन जगहों पर है समितियों में है जहाँ पदाधिकारी कम हो गए हैं या सेवाएं बढ़ गई हैं तो वहाँ पर पुनर्गठन की हमको कार्रवाई शुरू करना है उसके लिए समितियों को पत्रक दिए हुए हैं समिति नियमावली दी हुई है उसके लिए पत्र यहाँ भेज सकते हैं समिति पुनर्गठन के लिए समिति पुनर्गठन के साथ साथ अभी महिला मंडल महिला उत्थान मंडल और युवा सेवा संघ ये दो नए विभाग भी शुरू हुए हैं जो पहले ऋषि प्रसाद बाल संस्कार विभाग थे उसके साथ में तो ये दो विभागों के गठन भी अपने अपनी समितियों में ज़रूर करना फिर हमारी जो सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं को जैसे अभी सत्संग पूज्य बापू जी का जन जन तक पहुंचाना है तो एक तरीका है मंगलमय चैनल सब्सक्राइब कराना सबसे सरल काम है बिना पैसे के दूसरा ऋषि प्रसाद पत्रिका के सदस्य तीसरा लोक कल्याण सेतु के पूज्य बापू जी का सत्साहित पहुंचवाना। और वक्ता श्री के सत्संग करवाना इससे हम हमारे क्षेत्र में लोगों को जोड़ सकते हैं तो अपना ज्ञान बापू जी का पहुंचा सकते हैं अब एक बात पूछता हूं ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु के पत्रिका के सदस्य यहाँ कौन कौन नहीं हैं हाथ ऊंचा करिए सभी हैं आप सबको सादर प्रणाम है हम लोग सब सिर्फ यदि एक छोटा सा काम कर लें तो ऋषि प्रसाद की पत्रिका अभी लाखों से तो करोड़ों भी पहुंच सकती है क्योंकि हम करोड़ों बापूजी के शिष्य हैं फिर भी छोड़िए सिर्फ एक साधक परिवार में हर साधक परिवार में पत्रिका के सदस्य बने हर साधक परिवार बताइए कठिन काम है अच्छा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए अच्छा। हर घर में ये पत्रिका जाना चाहिए कि नहीं तो बस ये ये काम हमको जरूर कराना है जो साधक परिवार है भाई तुम क्या सौ रुपये साल के नहीं दे सकते सौ रुपये में दोनों पत्रिका आती है बापू जी का ज्ञान उन तक पहुँचे सेवा के विषय में पूज बापू जी एक बार चालू सत्संग में नासिक में सत्संग था शिवरात्रि का पूज बापू जी बोले कि भाई कौन कौन जल्दी नहीं मरना चाहता हाथ ऊंचा करो सब झकभक रह गए सबने दो दो हाथ ऊंचे कर दिए किसी को नहीं मरना गुरुजी जल्दी हाँ तो बोले ठीक है ये एक युक्ति है सरल एक युक्ति है ब्रह्मज्ञानी की सेवा पकड़ लो कोई से भी ब्रह्मज्ञानी की सेवा छोटी नहीं होती बड़ी नहीं होती एक सेवा पकड़ लो कोई सी भी कठिनाई आए कोई सी भी परेशानी आए कोई प्रलोभन आए आपके यहाँ कितनी ही प्रॉपर्टी बढ़ गई हो आपका पद बड़ा हो गया हो तो भी छोड़ना नहीं तो बोले यमदूत तो क्या यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये बात हम सबके लिए बहुत काम की है उसमें पूज्य बापू ने तो रामदास समर्थ जी का एक, का, एक सच्ची घटना भी सुनाई थी जिसमें समर्थ जी का शिष्य एक बालक भिक्षा लेने जाता है और गलती से इसे किसी तांत्रिक के दरबार पे पहुंच जाता है तांत्रिक दूसरा नाम सुनना नहीं चाहता और वो अपने गुरु का अलग जगाता है जय समर्थ रघुवीर बार बार अलग जगाने पे तांत्रिक ने उसको श्राप दे दिया कि तू कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा वो बच्चा घबरा गया कई लोगों ने बोला कि भाई उसका श्राप खाली नहीं जाता तू वहाँ क्यों गया था वो बड़ा दुखी हो गया लौट के आया और चुपचाप बैठ गया आश्रम में गुरुजी ने पूछा क्यों चुपचाप बैठे भोजन कर लो जी कर लूँगा अरे क्या बात है भोजन क्यों नहीं कर रहा है? जब ऐसा बार बार पूछा तो बच्चे ने पूरी बात बताई कि जी ऐसा ऐसा हुआ था मैं अलग जगाने लग, जगाते जगाते गया तो उसने बोला ए दूसरे का अलग जगाते हो तो बोले मेरा अलग नहीं जगाओगे तो बोले श्राप दे दूंगा मगर मैंने तो गुरु जी आपका ही अलग जगह है जय समर्थ रघुवीर तो बोले उसने श्राप दे दिया है कि कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा ये पूरी कहानी हमारे लिए बहुत काम की है क्या हमको दूसरों का अलग जगाना चाहिए परेशानियों से डर जाना चाहिए वो मौत से नहीं डरा लड़का जिसको चुपचाप बैठ गया गुरुजी बोले चिंता मत कर भोजन कर ले उसने जैसे तैसे थोड़ा भोजन किया गुरुजी लेट गए रात को बोले एक काम करना तू मेरे पैरों की चंपी करते रहना। मैं जब तक नहीं बोलूं, तब तक सेवा से हटना नहीं कोई प्रलोभन आ जाए कोई डर आ जाए कोई परेशानी आ जाए तुम सेवा से हटना नहीं वो बच्चा चंपी करता रहा बारह एक बजे रात को उसकी मां की आवाज़ आई, बेटा मैं आई हूं मिलने आ जा हाँ सोचा माँ ये मिलने जाता हूँ अरे गुरुजी ने बोला था कोई प्रलोभन आए जाना नहीं सेवा नहीं छोड़ना करता रहा करता रहा वो माँ ने बोला मैं चली जाऊंगी जल्दी आ बोले माँ तुम बैठी रहो भलाई कि जाओ मैं तो नहीं आऊंगा गुरु जी की आगे आके बिना नहीं आऊंगा मैं सेवा में लगाऊ दो तीन घंटे हो गए दो तीन बजे रात को तांत्रिक ने देखा तांत्रिक आया था वो तो माँ बन के कि ये नहीं मानेगा तो तांत्रिक भयानक रूप रख के आया उसको दिखा उसको आवाज भी आ रही थी ए तू आता है कि नहीं जल्दी नहीं तेरे को यहीं भस्म कर दूंगा उसको डर लगा चला जाऊँ क्या अरे गुरुजी ने बोला था डरना नहीं कोई सा भी डर में दिख होते होते वो भी चला गया सुबह हुई उजाला हुआ सूरज तो ऊपर आ गया गुरुजी ने पूछा क्यों सुबह हुई कि नहीं बालक ने बोला जी हो गई सूरज ऊपर आया कि नहीं जी आ गया फिर तू मरा कि नहीं जी गुरु जी मैं तो जिंदा हूं तो ये चीज हमारे सीखने के लिए है कोई भी प्रलोभन आए किसी के दूसरे का अलग जगाना नहीं कोई भी डर कोई परेशानी आए दूसरे का अलग जगाना नहीं हमारे गुरु जी समर्थ हैं हमारे गुरु जी रक्षक हैं तो समितियों का पुनर्गठन के लिए पत्र लिख सकते हैं जहाँ 40-50 से ज़्यादा साधक हों वहाँ साधकों के नई योग सेवा समिति बनाएं उसके लिए पत्र लिख सकते हैं तो समिति पुनर्गठन करने की नियमावली दी हुई है किसको समिति में रखें पूज बापू जी की नियमावली में दिया हुआ है समिति में वो पदाधिकारी रहें जिन्होंने शिविर भरे हों मौन मंदिर साधना की हो जिनका स्वभाव सबसे मिलनसार हो सबसे प्रेम पूर्व व्यवहार हो मानवीय संवेदना हो छोटे बड़े का भेदभाव ना हो प्रेम पूर्वक सबको जोड़ सकें ऐसे पदाधिकारियों का चयन करें अब समिति में सक्रियता कैसे बनी रहे संगठन कैसा बना रहे प्रेम भाव से व्यवहार करें बार बार कुछ कार्यक्रम करें हर दो माह में समिति की बैठक रखें बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा करें आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएं अभी पूज्य श्री के सत्संग में भी हमने सुना था कि उसमें सब लोग को बीच में बैठ के विचार हो सबके बीच में बैठ के जो खर्च हुए हैं उसके भी जानकारी सबके बीच में रहे खर्च भी बिल्कुल भी एक पैसा फालतू खर्च ना हो लोगों का पैसा मेहनत का है तो उसका सदुपयोग हो अब हमको नान साधकों को भी जोड़ना है नान साधकों को जोड़ने के लिए भी देखो तो गुरु जी से सब जुड़ना चाहते हमारे आश्रम की सामग्री के लेने जो लोग आते हैं वो धीरे धीरे अपने ही हो जाते ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु जिनको सदस्य बनाओ वो अपने हो जाते हैं हम हमारे परिचितों को रिश्तेदारों को संबंधियों को ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु के सदस्य बनाए कई भाई बहनों की आदत है बैग में साहित्य की किताब रहती पूज्य बापू जी की कहीं भी जाएंगे तो एक किताब उनके घर पर रख के आएंगे कोई अपने घर मेहमान आया है जाते समय उनके बैग में एक किताब रख देंगे तो इसमें नान साधकों को भी हम जोड़ सकते हैं उनको उत्सवों में जरूर बुलाएं जब हमारे उत्सव होते हैं उत्तराय अपना साक्षात्कार दिवस है जन्म दिवस है मातृपित्र पूजन है माता पित्र पूजन में कितनी भीड़ होती है कितने नान साधक साधक सब सा आते हैं पूज बापू ने ऐसे कार्यक्रम शुरू कराए हैं जिनको देख के दुनिया बहुचक है सभी धर्म के लोग उसको मनाना चाहते हैं तो ऐसे गुरुजी के हम शिष्य हैं तो हमको गर्व रहना ही चाहिए बाल संस्कार देखिए सब विचार करिए आठ साल से किसी को सत्संग नहीं मिला बच्चों को भी नहीं मिला जो विद्यार्थी जो बच्चे 2013 में आठ दस साल के थे वो उस समय सत्संग नहीं समझते थे वो अब अठारह बीस साल के हो गए कभी हमने विचार किया कि वो बिना सत्संग के ही अठारह साल के हो गए एक पीढ़ी बिना सत्संग के आगे निकल गई अब हम लोग बहुत सारे सेवा कर रहे हैं अभी मगर बाल संस्कार की सेवा ऐसे शुरू करें कि कैसे भी करके हमारे एरिया के सब बच्चे उससे फायदा लेते जाएं अपने अपने सिर्फ हम हमारे एरिया के बच्चों को भलाई चार जगह खोले तो महीने में एक बार तो मिल जाएगा प्रसाद तो ये हम दृढ़ संकल्प आज करें कि हम एक महीने के भीतर पांच पांच नए बाल संस्कार केंद्र खुलवाएंगे खोलेंगे चलाएंगे इसमें बहनों के महिला उत्थान मंडल जो शुरू हुआ है इसकी बड़ी भूमिका है बहनों के पास समय ज्यादा होता है और वो इसको बहुत आसानी से कर भी पाती हैं महिला उत्थान मंडल की बहनें जाती हैं पाठ कराती हैं पाठ करके कर बहनों को उनके स्वास्थ्य की बातें बताती हैं सत्संग की बात कर बताती हैं थोड़ा पूज्य श्री का सत्संग सुनाती हैं बच्चों को बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी और बुद्धि बढ़ाने के प्रयोग बताती आपको शायद पता नहीं होगा एक बात बताना चाहूंगा मैं कई जगह पहले विद्यार्थी शिविर में जाता था पूज्य बापू जी की एक युक्ति है ध्यान से सुनना जिस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं सुना है जिस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं पढ़ा है उस प्रश्न का उत्तर भी वो दे सकता है बताओ असंभव है कि नहीं असंभव मगर बापू जी के संभव होता है और ये मैंने कई जगह स्कूलों में शिविरों में प्रैक्टिकल करके भी बताया तो विद्यार्थियों को ऐसी युक्तियां स्वास्थ्य रहने की और बुद्धि बढ़ाने की सब जगह बताएं बाल संस्कार केंद्र ज्यादा से ज्यादा शुरू कराएं आपने गुरु भक्ति योग में पढ़ा होगा पूज बापू जी के श्रीमुख से भी सुना है गुरु भाई का सहयोग करना गुरु का सहयोग करना है गुरु भाई की सेवा करना माने गुरु की सेवा करना है कि नहीं अब एक बात पूछता हूं गुरु भाई का विरोध करना माने गुरु का गुरु भाई से द्वेष करना माने बताओ सब विचार करें हम लोग पदाधिकारी बैठे यहां पर कि इसका मौका कभी ना आए कैसा लगता होगा गुरु जी को और कभी ये नहीं सोचना कि गुरु जी हमसे दूर बैठे अब तरण दिवस का कार्यक्रम था इंदौर में कुछ बापू जी पहुंचे तो करीब थोड़ी देर से पहुंचे थे कुछ बापू जी स्वयं बोले तुमको पता है मैं देर से क्यों आ पाया तुमको पता है मैं देर से क्यों आप पाया बोले मैं देख रहा था कौन कौन सी समिति कैसे कैसे मना रही है टीवी पे नहीं देख रहे थे कई साधकों के अनुभव है कि बापूजी ने कहा हमको रक्षा की कहा जंगल में की रात में बापू बापूजी हम यहां किसी गुरु भाई से विरोध करें द्वेष करें और बापूजी अपन सोचें कि नहीं बापूजी को पता नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है बापूजी को सब पता चल जाता है तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें एक बात और पूरी बात करता हूँ कई बार समिति वाले या सेवादार लोग ये सोचते हैं कि हम तो दो तीन लोग हैं क्या करेंगे कई बार सोचते हैं हमारे पास तो पैसा ज़्यादा नहीं है हम कैसे करेंगे कम है पैसा कोई सोचते है कि हमारी योग्यता कम है पूज बापू जी बोले तुम चिंता नहीं करो तुम्हारे पास पैसा कम है योग्यता कम है तुम्हारी उम्र कम है तुम्हारा संग चार ही लोग साथ में हैं तुम चिंता नहीं करो पूज बापू जी ने एक शब्द बोला तुम हाथ लगाओ धक्का तो मैं दूंगा बापू जी के वचन है सुरेशानंद जी दोहराते थे हम लोग भी दोहराएंगे पूज बापू जी के मुख से निकला बचन पूज बापू जी के मुख से निकला बचन पूज बापू जी के मुख से निकला वचन वरदान होता है वरदान होता है और जो भी इस पे चल पड़े और जो भी इस पे चल पड़े वो महान होता है वो महान होता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है हाथ लगाए उनकी बात झूठी हो तो वो जाने तो गुरु जी का वचन कभी झूठा नहीं होता है श्री योग वेदांत सेवा समिति के अंतर्गत ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु बाल संस्कार महिला उत्थान मंडल युवा सेवा संघ ये सभी योग वेदांत सेवा समिति के अंतर्गत कार्य करते हैं कई जगह इस चीज़ का सही से पता नहीं होने के कारण ये सब नियमावली में जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये नियमावली से ही बोल रहा हूँ समिति नियमावली युवा सेवा संघ नियमावली महिला उत्थान मंडल बाल संस्कार सबकी नियमावली गुरुजी ने जो अप्रूव की है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मगर कई लोगों को कन्फ्यूजन होने से वो अपना अपना अलग अलग समझने लगते हैं मेरा पाठ मंडल अलग है नहीं ऐसा नहीं है सब एक समिति के अंतर्गत हैं और एक समिति जो पूज्य बापू जी की है उसकी हम शाखाएँ हैं सब मिलके काम करेंगे एकजुट होकर काम करेंगे सबकी सेवाएं अपनी अपनी हैं वो सेवाएं पहले पूरी कर लें फिर ज़रूरत पड़े तो दूसरी की सेवा में भी जुट जाएँ और ऐसे करके हम हमारी सेवाओं को खूब तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे ही खर्चे के उसमें भी सभी विभागों का खर्च समिति के पास जाए पाठ मंडल हो महिला उत्थान मंडल हो युवा सेवा संघ हो बाल संस्कार सबका फिर समिति से ट्रस्ट में जाता है और ट्रस्ट से आश्रम को जाता है तो इस तरह से हम सब लोग सावधानी रखेंगे और आज यहाँ पर इतने संख्या में इकट्ठे हुए हम इसका लाभ जरूर उठाएंगे सिर्फ ये नहीं हो कि हम आज आए और सुना और चले गए इसमें पांच-छह मुख्य बातें हैं एक माह के भीतर आप सभी ध्यान से सुनना एक माह के भीतर हमको हमारी हमारी समिति की पुनर्गठन ज़रूर कराना है एक माह के भीतर हमको सभी जो साधक है अगर तो उसके परिवार में ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु जाना ही चाहिए महिला उत्थान मंडल नहीं है तो उसका गठन हो जाए एक महीने के भीतर युवा संघ नहीं है तो उसका गठन हो जाए पांच नहे बाल संस्कार केंद्र हमको खोलना है एक माह के भीतर आप सब इस प्रस्ताव को पास करते हैं क्या आप सब इस प्रस्ताव को पास कर रहे हो तो दोनों हाथ साधो 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 एक बात आपने सोची कि नहीं मैंने तो सोची पहले के गुरु जब उनके शिष्यों को परीक्षा लेते थे अलग अलग तरीके थे नहर में खड़ा कर दिया किसी को कुछ किया ऐसे ही करके अब जिनके करोड़ों शिष्य हों वो क्या करें जिन गुरु के करोड़ों शिष्य हों वो क्या करें ये विचारने की बात है विचारने की बात है ये हो सकता 2013 से परीक्षा चल रही हो भाई इसमें बड़े बड़े पहाड़ खिसक चुके हैं बताओ खिसके कि नहीं खिसक गए भाई तो सेवा में लगे रहना है और इधर प्रार्थना करते रहना है कि आप उंगली पकड़े रहोगे तो ही बचेंगे नहीं तो बड़े बड़े पर्वत खिसक चुके हैं हम देख रहे हैं याद रखना है विचार करना है और कहीं पता चले कि ऐसा ना हो कि अभी उस परीक्षा से हम कहीं फेल ना हो जाए पता नहीं गुरु जी अभी कौन कौन से छन्ने लगाने वाले तो वही तो ऐसा हमसे कोई कार्य ना हो जाए कि जिससे कि जैसे अभी भाई ने बताया था कि गुरु जी आए तो हम उनके सामने खड़े हो सकें अपनी बात पूरी करता हूं एक छोटी सी बात और है एक भाई ने एक कहानी सुनाई थी कि पृथ्वी पर पहले सिर्फ लाल मुंह के बंदर थे पृथ्वी पर पहले सिर्फ लाल मुंह के बंदर थे काले मुंह के नहीं थे मैंने कहा ये तो कैसी बात बोल रहे बोले हाँ सही बात क्या फिर बोले जब राम जी लंका जा रहे थे तो सब बंदर भी जा रहे थे भालू सब तो वो सेना जब चली जा रही थी तो राम जी के साथ तो दूसरे विरोधी लोग रास्ते में देखे अरे कहाँ जा रहे हैं निंदक लोग मिल गए रस्ते में अरे बोले तुम कहाँ जा रहे हो बोले राम जी के साथ जा रहे राम जी के साथ युद्ध लड़ेंगे सीता माता को लेके आएंगे अरे बोलो तुम पागल हुए हो वहाँ के राक्षस कैसे हैं सांस लेते हैं ना, तो बड़े बड़े जानवरों को भीतर खींच लेते हैं तो तुम तो कहाँ लगे छोटे छोटे से जब पैर रखते हैं तो 150 उनके पैर के नीचे दब जाते हैं जीव बड़े बड़े तुम कहाँ जा रहे हो समझ लो कोई नहीं वो राम जी नहीं है मान ने बोला ऐ तेरी बातों में नहीं आना तू नहीं समझता तो नहीं समझ हम तो जा रहे हैं चले सब आगे बढ़े दूसरे निंदक मिल गए दूसरे विरोधी मिल गए दूसरे सिद्धांतरण वाले मिल गए भाई वो मिले उनने समझाए अरे कहाँ जा रहे हो तुमको वहाँ ऐसा हो जाएगा वहाँ तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी फिर क्या करोगे वहाँ बोले जब वो कुंभकर्ण उठता है तो वो सब खा जाता है चट कर जाता है तुमको तो पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ हो ऐसे वो उनको भी थोड़े लोग उनकी बातों में आ गए रुक गए थोड़े लोग फिर और बाकी आगे चले दूसरे लोग मिल गए मंच वाले मिल गए कोई जागरण वाले मिल गए अरे भाई इधर आ जाओ देखो हमारे कितने बड़े बड़े बोर्ड हैं देखो उनके बोर्डों को देख के कोई प्रभावित हो, होने लगे तो भाई ना हमको किसी बोर्ड से प्रभावित होना ना जागरण के मंच से ना दूसरे मंच से ना श्रद्धांतरण करने वालों से मगर वो तो उसमें से विरोधी लोग मिले और निंदक मिले और कुछ कई बंदर उनके बातों में आ गए रुक गए तो वो भाई ने पूरी बात कहानी लंबी है फिर वो भाई बोलता है कि फिर गए राम जी गए हुआ जीत के आए तो जो लोग साथ में राम जी के गए थे जिन्होंने आखिरी तक राम जी का साथ नहीं छोड़ा उनके मुंह लाल रहे और जो रास्ते से लौट के आ गए थे उनके मुंह काले तो भाई बहुत ध्यान रखना है बड़े बड़े पर्वत दरक चुके हैं भाई बोलता है उनके मुंह काले हो गए लोगों ने बोला तुम्हारे मुंह काले हो गए तो खुद को तो अपना मुंह दिखता नहीं है है बोले झूठ बोलते हो कोई हमारे मुँह काले नहीं हुए झूठ बोलते हो तुम तब उनके हाथ भी काले हो गए और पांव भी काले हो गए ये कहानी होगी मगर आज भी आज भी सौ लाल मुंह के बंदर हों और वहां पिंजड़े में एक काले मुंह के बंदर को ले जाके रख दो वो सौ बंदर वहां से जगह छोड़ के लाल मुंह के चले जाते भाई ये निंदकों के साथ रहा था ये विरोधियों की बात मानता था इसके पास में भी नहीं रहना तो भाई हम तो मनुष्य हैं तो बहुत सावधान रहना है सेवाओं में आगे बढ़ना है और हमको भी बचना है श्रद्धांतरण से कोई हमको तोड़े नहीं हमारे आश्रमों पर कोई हाथ लगा, लगा ना पाए મકો એકઠ્ઠા રહેના બહુ જરૂરી હે સંગઠિત રહેના જરૂરી સક્રિય રહેના જરૂરી હરિ આપણે આપણને સેવામાં મોકો મળ્યો છે એવું સમજીને સેવા શોધી લેવાની તો અત્યારે હાલમાં જે કાંઈ પરિસ્થિતિ છે બાપુજી જોધપુર બે હજાર તેરમાં પધાર્યા ત્યારથી આજ સુધીમાં તો ભંડારા કરવા જઈએ છીએ આપણે તો એવા જ સમય દરમિયાન અમે ભંડારા કરીને રિટર્ન વાપસ આવતા હતા તો એ સમયે વચ્ચે ઈડર આશ્રમ રોકાયા તો એ સમયે ત્યાં ઈડર આશ્રમની જોયું તો બધા સમિતિના ભાઈઓ સાથે હતા કે આપણા ગુરુજીના આશ્રમ અને આવી કન્ડિશનમાં અત્યારે તો ત્યાં જ સંકલ્પ કર્યો કે ભાઈ આજે અમદાવાદ સમિતિ સંકલ્પ કરે છે કે આપણે જ્યાં સુધી પહોંચી શકીએ તો અમદાવાદ સરાઉન્ડિંગ સો કિલોમીટરના આશ્રમો જેટલા છે એ દરેકે દરેક આશ્રમ હાલાકી સાડા ચારસો આશ્રમ બાપુજીના બધા આપણા જ આશ્રમ છે મારા જ આશ્રમ છે એવું સમજીએ છીએ આપણે બધા પણ જ્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીએ ત્યાં સુધી તો આ એક અભિયાન ચલાવ્યું અને દર મહિને એક આશ્રમ કારણ કે આપણે પણ ગૃહસ્થી છીએ આપણી પણ ઘરની જવાબદારી સમાજની જવાબદારી બધી છે સેવા સાધના છે તો દર મહિ તો ના નીકળી શકીએ પર દર મહિનાનો એક રવિવાર આશ્રમ સેવા માટે ફાળવી દીધો કે ભાઈ અહીંયા જેટલી સમિતિ છે જેટલા સાધકો છે સક્રિય છે સમિતિમાં છે ચાહે નહીં તો એ બધાની એક બસ બે બસ અહીંથી ભરી લેવાની પચાસ સાઠ સો સવા સો દોઢસો જે ભાઈઓ બહેનો થાય એમને લઈને જવાનું ત્યાં રોકાવાનું અને જે પંકજભાઈએ વાત કરી એ પ્રમાણે ત્યાં સાફ સફાઈ પોતાએ કરી અને ત્યાંની લોકલ સમિતિને બોલાવી એમની સાથે મીટિંગ કરી એમના બાપુજીના જે કાંઈ અનુભવો છે એ આપ લે કરી વિચાર વિમર્શ કરીને પછી પાછું આવવાનું તો એવા ઘણા બધા આશ્રમના ભાઈઓ આશ્રમવાસી ભાઈઓ ત્યાંની લોકલ સમિતિના ભાઈઓ જાણે છે અમે ત્યાં આવ્યા હતા એવા કેટલા લોકો છે કે જેને ખબર છે કે અમે આપ સેવા ચાલી રહી છે એવી એવા જે આશ્રમો છે કે જ્યાં અમદાવાદ સમિતિ આવી હોય અને એમને ખબર હોય હા તો છે અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત એ ભાઈઓ મતલબ નજીકના જે આશ્રમના છે એ તો આપણા જે સાત ઝોનની અહીંયાથી જે કાંઈ આપણે એનાઉન્સમેન્ટ થયું છે એના હમણાં પદા પદાધિકારીનું એનાઉન્સમેન્ટ પણ થશે અહીંયા સમિતિના ભાઈઓની સાથે સાથે સક્રિય સાધકો પણ આવ્યા છે એ સાધકોને પણ વિનંતી છે કે તમે લોકો પણ સમિતિ સાથે જોડાઈ જાઓ યુવા સેવા સંઘ સાથે જોડાઈ જાઓ જે બહેનો પધાર્યા છે અલગ અલગ ગુજરાતભરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી બહેનો પણ મહિલા મંડળ સાથે જોડાઈ જાય કારણ કે અત્યારે છેલ્લા આઠ નવ વર્ષથી આપણે જે કંઈ આપણે પ્રસાર થઈ રહ્યા છીએ એની પાછળ માત્ર ને માત્ર એક બેન કારણભૂત છે આપણે બધા જાણીએ છીએ એના માટે વિસ્તારથી કહેવાની જરૂર નથી તો આપણે જેટલા બેઠા છીએ બધાના ઘરમાં બહેનો તો છે જ ક્યાં તો બેન છે પત્ની છે માતા છે તો કોઈને કોઈ સ્ત્રી છે ઘરમાં તો એમને પ્રાર્થના કરીને એમને બહાર લાવીએ એમને મોકો આપીએ એમને સેવાનો અવસર આપીએ તો બહેનો પણ બહાર આવે એના માટે આગળ બહેનો વાતો કરશે પણ જરૂરી છે કે બેન આવશે તો પાછળ આખો પરિવાર ઓટોમેટિક આવશે નહીં તો ક્યાંક બીજે જશે ને તો એ બેનની પાછળ પાછળ ભાઈને પણ બીજે જવું પડશે એટલે એવું ન થાય એ માટેથીને આ જરૂરી છે કે બહેનો પણ આશ્રમે રેગ્યુલર આવે બાળકો બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રમાં આવે યુવાનો યુવા સેવા સંઘમાં જાય કારણ કે બાપુએ આખી ચેનલ બનાવેલી છે બાલ સંસ્કાર બાલ સંસ્કારમાંથી યુવા યુવામાંથી સમિતિ પણ થાય છે એવું કે બાળ સંસ્કાર બાળ સંસ્કાર ચાલતું હોય ત્યાં યુવા યુવા ચાલતું હોય ત્યાં પણ એ સમિતિમાં આગળ આવે નહીં પણ આપણે હવે એને મોકો આપવાનો છે કારણ કે લગભગ બધાના વાળ સમિતિમાં જેટલા છે ને લગભગ બધાના વાળ સફેદ થઈ ગયા છે બરાબર ને તો હવે કાળા વાળવાળા યુવાનોને આપણે લાવીએ કારણ કે આપણે હવે નહીં દોડી શકીએ જાજુ તો યુવાનોને લઈએ સાથે અને એમના દ્વારા પણ આપણે એ લોકોની પણ ટ્રેનિંગ થઈ જાય ને જરૂરી છે ટ્રેનિંગ એમની કરવાની નત આપણે જતા રહેશું પછી એમને ટ્રેનિંગ કોણ આપશે તો એની એટલું ટ્રેનિંગ સાથે સાથે થઈ જાય માટે જરૂરી છે કે બાપુજી દ્વારા જેટલા સેવા પ્રકલ્પ ચાલે છે દરેકે દરેક સેવા પ્રકલ્પને આપણે વિસ્તારપૂર્વક વધારવાના છે ગંભીરતા લેવાની છે અને એમાં લાગી જવાનું છે અને જેટલા અહીંયા આવ્યા છે બધા આપણે જવાબદાર વ્યક્તિઓ જ આવ્યા છે તો આપણી બધાની આપણી જવાબદારી છે કે આપણા તાલુકામાં આપણા જિલ્લામાં આપણા ઝોનમાં અને આપણા રાજ્યમાં એક પણ સાધક પરિવારનું ઘર આવતા મહિના સુધીમાં બાકી ના રહેવું જોઈએ એના સુધી સંપર્ક કર્યાનું વિહણું ના રહેવું જોઈએ કારણ કે સાધકો તો લાખોની સંખ્યામાં છે પણ પહોંચવા માટે આપણે એક મહિનો દોઢ મહિનો બે મહિનામાં એક પણ ઘર બાકી ના રહે એમના સુધી પહોંચીએ એમનું જે કાંઈ શંકા સમાધાન એમને જે કાંઈ મનમાં કચરો હોય એ કચરો કાઢવો જવાબદારી આપણી છે ટીવી છાપાનો કચરો હોય તો એ પણ આપણે કાઢવાનો છે અને બીજો કોઈ કચરો આવી ગયો હોય તો એ પણ આપણે કાઢવાની જવાબદારી આપણી છે આપણું કર્તવ્ય છે ઈસ પરમ પવિત્ર ગુરુદ્વાર પર પધારે હુએ સભી ગુરુ ભક્તો કો હમ પ્રણામ કરતે હૈ આજ કા યુ જો આયોજન યહાં પે હો રહા હૈ ઇસમે કતની સમય શક્તિ કતની ધન શક્તિ કતની जन शक्ति लगी हुई है लेकिन इन सभी शक्तियों को सफल तभी समझा जाएगा जब हमारी संगठन शक्ति मजबूत बनेगी और इन इसको मजबूत कौन बनाएगा हम बनाएंगे ना आज बापू पर आरोप लगाने वाली भी एक नारी है और हमारे बापू जी का अवतरण कराने वाली भी एक नारी है और पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से जो महिला उत्थान मंडल का गठन किया गया है उसका यही उद्देश्य है कि नारी के जीवन को सही दिशा मिले और नारी के जीवन को अगर सही दिशा देनी है तो वो एक ब्रह्मज्ञानी गुरु ही दे सकते हैं दे सकते हैं ना? और हमारे बापूजी चाहते हैं मैं बहनों से पूछना चाहूंगी बहनें सुन रही है ना अगर बापूजी महिला आश्रम ही ना बनाते और बापूजी अगर हम बहनों को अपने सत्संग में आने ही ना देते तो आज बापूजी पर यह आरोप नहीं लगता जैसे परिवार में पुत्र पुत्री दोनों होते हैं वैसे ही इस गुरु परिवार में जो ज्ञान हमारे बापूजी ने उनके पुत्रों को दिया है जो आध्यात्मिक वातावरण उनके पुत्रों के लिए बनाया है वही वातावरण हम बहनों के लिए भी बनाया है एक नारी इतना कुप्रचार कर सकती है तो क्या हम सभी संगठित होकर हमारे गुरुदेव के देवी कार्यों का सुप्रचार नहीं कर सकते कर सकते हैं ना बहनों एक, एक नारी शबरी सी हो मीरा जैसी योगिनी हो सती सावित्री सती अनुसुया उस पर तेज माँ शक्ति का हो और बापू हमसे यही चाहते हैं कि हे है भारत की नारी उठो जागो याद करो अपने अतीत गौरव को मां मदालसा ने कहा कि एक बार जो पुत्र मेरे गर्भ से जन्म ले वो पुत्र अगर किसी दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है तो मेरा जन्म देना अधिकार है चारों पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया किसने मां मदालसा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को अगर देखा जाए तो उनके पीछे कौन था उनकी माता जीजा माता और आज अगर हम पूज्य बापू जी को प्रणाम करते हैं वंदन करते हैं तो हमारा पहला प्रणाम किसको जाता है हमारी अम्मा जी को दे दे मक्खन मिश्री पूजा मां ने सिखाया ध्यान और पूजा तो बापू जी चाहते हैं कि जैसे उनके पुत्र आगे बढ़ रहे हर क्षेत्र में ऐसे उनकी बेटियां भी उनकी भी आगे बढ़े बढ़ना है ना बहनों आगे आवाज नहीं आ रही है पक्की बात तो इसीलिए और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आज की स्थिति है उस स्थिति को अगर देखा जाए तो भाइयों से भी आगे सेवा में बहनों को रहना चाहिए क्योंकि आरोप एक नारी ने लगाया है तो हम ये कह सकते हैं कि एक नारी को आप देख रहे हो या ये हजारों लाखों नारिया बहनें जो बापू की देवी कार्य में लगी है उनका जीवन उन्नत हुआ है उनको क्यों नहीं देखा जा रहा है तो हम अपनी बहनों से कहेंगे कि सभी बहनें अपना संगठन मजबूत बनाए भाइयों का संगठन तो मजबूत बनेगा ही साथ साथ हम बहनों का भी संगठन मजबूत बनाए और हम ये संकल्प करें संस्कारों की धरती को फिर से हम महकाएंगे संस्कारों की धरती को फिर से हम महकाएंगे संस्कारों की दिव्य धरोहर पुनः उसे लौटाएंगे विश्व गुरु हो भारत प्यारा संकल्प यही दोहराएंगे गुरु ज्ञान का संबल लेकर आगे बढ़ते जाएंगे हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा आज साक्षात हो गया है हमारे 20 साल से शिवजी ने कंठ में जहर को रख के नीलकंठ बन गए हमारे गुरुदेव ने 20 साल से उन राज उन बातों को अपने अंदर रख के सह सह कर जो कष्ट अपने जीवन में उठाए हैं आज हम सुनते हैं तो हमें सुना नहीं जाता है किसी से फिर भी सच्चाई से मुंह मोड़ना कायरों का काम है सच्चाई का सामना करना बापूजी के वीर शिष्य का काम है गुरुपुत्री के बारे में जो हमने सुना इतिहास गवाह है सनातन धर्म में आज तक किसी भी गुरु की बेटी ने कभी भी अपने गुरु के शिष्य को अपना शिष्य बनाने का दुरसाहस नहीं किया इतिहास गवाह है इतना ही नहीं उनको अपना शिष्य बनाकर उनका आर्थिक आध्यात्मिक शोषण करना उनके गुरु मंत्र बदलवाना उनको अपने गुरु से दूर ले जाना अपने चमचे चमचियों के द्वारा उन्हें ये अपने गुरु के द्वार की निंदा करवाना क्या आप बोलते हो ये कोई धर्म है क्या ये सत्संग है क्या ये संतत्व है ये धोखेबाजी है ये कपट है ये अधर्म हुआ है और हम हम आपकी सबकी आंखें खोली है हमारे साक्षात पूज्य गुरुदेव जी ने कहते हैं गुरु परिवार की निंदा ना करो गुरु परिवार गुरु परिवार पूज्य बापू जी के पास तो संदेश पहुंच ही जाते हैं फिर गुरुदेव जी ने अपने फिर अपने संदेश में बताया बापू जी के वचन मैं पढ़ के सुनाता हूँ और ऋषि प्रसाद में छप के आए आप सब अपने साथ में बीस पचास अलग से ऋषि प्रसाद ले जाना जो सदस्य हैं उनको तो पहुँचाए पहुँचाओगे लेकिन फिर भी अपने पास बीस पचास ऋषि प्रसाद रखना और जन जन तक ये पहुँचाना साधकों तक और केवल देना नहीं उनको उसमें से पढ़कर बातें भी बताना जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ बापू के वचन हैं कि जो फर्जी गुरु परिवार का जो अभी ढोंग रचा रहे हैं मेरा गुरु परिवार क्या है बापूजी बताते हैं केवल तीन ही तीन व्यक्ति ही मेरा गुरु परिवार नहीं है मेरे सारे साधक मेरा ही परिवार है खून का रिश्ता ही गुरु परिवार नहीं है जो दीक्षित है वो सब मेरे गुरु परिवार है खून का रिश्ता परिवार तो है लेकिन श्रद्धा से जिन्होंने दीक्षा ली है आज्ञा में चलते हैं उनको मैं महत्व पहले दूंगा। मेरा मेरा परिवार मेरे सारे शिष्य है सदगुरुदेव भगवान की जय और क्या बोलते हैं सदगुरुदेव आगे कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों माई भाई मेरा परिवार है आश्रम के द्वारा संचालित गौशालाओं की दस हजार गायें भी मेरा परिवार है और वो गोले भी मेरा परिवार है मेरे कमरे में रहने वाले गिलहरी वो चूहे भी मेरा परिवार ये हमारे पूज्य बापू के श्री वचन हमें कहाँ ले जाते है? ये ज्ञान क्या है कि सब में उस ब्रह्म को उस ईश्वर को देखो उन्होंने तो एक ही संदेश अपने शिष्यों को दिया है सबका मंगल सबका भला निंदा किसी की कोई किसी से ना करें तो गुरुपुत्र की निंदा हो रही है ऐसा करने से हमें बचना चाहिए बापू को तो अधिकार है बोलने का हमें नहीं है याद करो वो दिन याद करो वो दिन 2013 में मीडिया ने इतना कुपचार किया महीनों महीनों इतना गंदा कुपचार हमारे बापू जी के लिए हुआ खून के आंसू रोते थे हम सब कोई बोलता था कोई मीडिया मुझे पूछ ले मैं बताऊं मेरे बापू कैसे हैं ऐसे जो जो साधक के मन में विचार आए हो या कभी मुंह से निकला हो हाथ ऊपर करो सभी के ऊपर है लेकिन बापू जी के, मीडिया क्यों आएगी आपकी हमारे पास उनको तो कुपचार करना था लेकिन गुरुपुत्री के पास तो मीडिया पहुंच गई सोचा मिल जाएगा कोई मसाला सोचा कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा जो भी सोचा होगा भगवान जाने अब जब मीडिया आई है आपके पिता के बारे में पूछ रही है गुरु के पास बारे में पूछ रही है आपको पूछ रही है कि यह षड्यंत्र है क्या तो आप कहते हैं जब सजा घोषित हो गई आप कहते हैं कि अब सच्चाई मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूँ अब सच्चाई ना सच्चाई ये तो न्याय प्रक्रिया ने कल जजमेंट दे ही दिया है उस पर हमें भरोसा रखना ही चाहिए इतना बोलकर आप चुप हो जाते हो अपने गुरु के प्रति अपने पिता के प्रति आपको और कुछ नहीं कहना है आपके मुंह से निर्दोष शब्द भी नहीं निकल पाया और फिर आप कहते हो कि हम तो निर्दोष हैं, मैं तो निर्दोष हूं मेरी मैया तो निर्दोष है आप निर्दोष हो मैया जी निर्दोष है तो क्या हमारे बापू जी दोषी है क्या इतना कहने की आप में हिम्मत नहीं थी हिम्मत तो बहुत थी क्यों उसके आगे आपने अपनी संस्था का प्रचार किया उसके आगे आप कहते हो मीडिया में मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि हम 16-17 साल से मेरी संस्था अलग है और उनकी संस्था अलग है हम अपनी एक्टिविटी अपनी प्रवृत्तियाँ अलग करते हैं आश्रम की मैनेजमेंट से आश्रम की एक्टिविटी से पिछले 17 सालों से मैं नहीं हूँ मैं ट्रस्ट में नहीं हूँ हम अपनी संस्था के बारे में जानते हैं अपनी एक्टिविटी के बारे में जानते हैं बापू को सजा हो रही है बापू को आजीवन मृत्यु की सजा सुनाई जा रही है आप अपनी संस्था का गुणगान कर रहे हो मीडिया के सामने और बापू को निर्दोष बोलने में आपको कष्ट हो रहा है वाह मेरी गुरुपति वाह फिर भी कोई नहीं बोला ना साधक बोले ना आश्रम वासी बोले ये कब की बात है बहुत टाइम हो गया ना गुरुदेव को तो सजा घोषित हुए क्यों क्यों नहीं बोले गुरु परिवार है हमें अधिकार नहीं है गुरु बोल सकते हैं हम कैसे बोले भाव तो आप में भी है मेरे में भी था सभी में है लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई कि उन्होंने बदली हमारे सदगुरुदेव ने जो दृश्य हमको दिखाए हम तो उस अनुसार चलेंगे आपने तो यहां तक कह दिया कि मैं मेरे बापू मेरे पिता का नाम अपने साथ जोड़ती नहीं हूं और फिर सत्संग में तो आपके साथ क्षमा करना भाषण में तो आप कहते हो कि मैं तो अपने ये तो मेरे गुरु ही नहीं है मैं तो दादा गुरु जी को अपना गुरु मानती हूँ इसलिए मैं उनकी फोटो रखती हूँ अब हमें पता चल रहा है सभी को कि दादा गुरु जी जब ब्रह्मलीन हुए उन्होंने अपनी लीला पूरी की उसके कुछ वर्षों बाद इनका जन्म हुआ तो गुरु कैसे हो गए तो इनके गुरु कौन है ये भी एक प्रश्न है खैर कोई भी हो इनके गुरु इन्होंने तो कह दिया कि बापू जी मेरे गुरु नहीं इन्होंने तो कह दिया कि इनको मैं पिता रूप में नहीं आप मानती हूँ या नहीं रखती हूँ इनका नाम तो ना तो आप पिता मानते हो ना आपके गुरु है तो हमारा आपका रिश्ता क्या हमारा आपका रिश्ता क्या फिर आप हम बैठे हैं किस रिश्ते से बैठे हैं बताइए हमारा आपका रिश्ता क्या है आप मुझे क्यों सुन रहे हो हम आप एक दूसरे से क्यों मिल रहे हैं यहां पे क्यों आए हैं आपका हमारा रिश्ता केवल हमारे गुरु के नाते हैं और ये रिश्ता सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता है गुरु शिष्य के बाद जो रिश्ता अगर मैं बताऊं तो वो है शिष्य शिष्य का रिश्ता गुरु भाई गुरु भाई का रिश्ता गुरु बहन गुरु बहन का रिश्ता ये तो खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बड़ा रिश्ता है इसलिए हम कितने लोग अपने गुरु परिवार को अपने अपने शरीर के परिवार को छोड़ के जो समर्पित होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि मेरा परिवार केवल मेरा खून का परिवार नहीं है अपने माता पिता अपने भाई बंधु को छोड़कर जो 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 हिम्मतवार जो गुरु के रास्ते गुरु में को पूर्ण समर्पित होने का भाव लेकर जब गुरुद्वार पे आते हैं तो उनसे रिश्ता तोड़ के नहीं आते हैं उनसे यह कह के आते हैं कि अब केवल आप ही मेरे रिश्ते नहीं हो मेरे जितने गुरु परिवार है वो सब मेरे भाई सब मेरे बहन ये है गुरु परिवार ज्ञान हमको गुरु जी ने दिया है हम हैं बापू जी, है जी का परिवार अरे ऐसा बोलिए कि बापू जी को लगे कि जोधपुर में अहमदाबाद में कुछ समिति वाले बैठे हैं हम हैं बापू जी का परिवार हम संभालेंगे गुरु सेवा की पतवार हम करेंगे छोरी का त्याग और करेंगे बापूजी से प्यार हम है बापूजी का परिवार हम संभालेंगे सेवा की पतवार हम करेंगे छोरी का तिरस्कार हम करेंगे बापूजी से प्यार हरिओम माँ हरिओम मा, हरिओम मा, मा। अब कईयों को जलन भी होती होगी उनके सुनने वाले चेले चपाटों को भी कोई बात नहीं सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया मगर तकलीफ उन चेले चपाटों को हो गई क्योंकि मैं जी गया एक रामचरित मानस का प्रसंग याद आता है मुझे और उसके पहले मैं बता दूं कि दीक्षा में बापू जी ने हमें दस माला करने का नियम दिया प्राणायाम सिखाया गुरुदेव ने संस्कृति रक्षक प्राणायाम भी बताया श्वासोश्वास की गिनती बताई बोनस मंत्र भी दिया बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए सारस्वत्य मंत्र हम बड़ों के लिए गुरु मंत्र अभी गुरुदेव को गए हुए लगभग नौ वर्ष होने आ गए लेकिन जो अभी जो बच्चे हैं ना जो अभी शिविर होने वाली है बच्चे जो हैं वो आते हैं तो कई लोगों ने तो दीक्षा नहीं ली है इंतज़ार कर रहे हैं कि गुरुदेव कब आएंगे और हमें दीक्षा देंगे और जो लोगों ने ले रखी है वो लोग छोड़ रहे हैं कहीं का कहीं जा रहे हैं पथभ्रष्ट हो रहे हैं ये पंचामृत इस सब हमने देखा होगा इसे है ना अच्छा कितना लोग इसका पाठ करते हैं कृपया हाथ ऊंचा करें रोज पाठ करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं वे हाथ ऊपर करें अभी मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछना पड़ रहा है कि कितना लोग जब करते हैं दस माला और कितने लोग नहीं करते वे तो हाथ उठाएंगे यानी कोई बात नहीं पूज्य गुरुदेव का सत्संग है उसके ऊपर एक पुस्तक छपी है ईश्वर की ओर इस पंचामृत में है हमारा वैराग्य पुष्ट करेगा गुरुदेव ने हमको दीक्षा के समय इसे पढ़ना सिखाया है सुरेशानंद जी थे तब हमको सिखाया थे है ना ईश्वर की ओर एक पुस्तक इसके अंदर है अब ज्ञान वैराग्य सिद्ध ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाली गुरु गीता भी इसके अंदर है अब देखिए एकादशी का व्रत आता है पंद्रह दिन में चौदह दिन में पंद्रह दिन में कोई लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं अभी करवा चो, करवा चौथ गया तिजड़ी गई पूर्णिमा गया कई लोग अमावस्या का व्रत करते हैं जिसको जो मनाता है वो व्रत करते हैं लेकिन शिव जी क्या कहते हैं कि व्रता नाम व्रत नायकम ये गुरु गीता गुरु की महिमा ही गुरु गीता है दूसरी पुस्तक इसके अंदर है गुरु गीता तो आप लोग नित्य व्रत कर रहे हैं अगर आप गुरु गीता का पाठ कर रहे हैं तो नित्य व्रत हो रहा है आपका ईश्वर की ओर से वैराग्य की पुष्टि गुरु गीता के पाठ से व्रता नाम व्रतनायकम व्रतनायकम मतलब नायक मतलब होता है हीरो व्रतों में हीरो कौन गुरु की महिमा वाला गुरु गीता शिव जी कह रहे व्रता नाम व्रतनायकम दूसरी पुस्तक हो गई अच्छा हमारे स्टॉल पर हरड़ रसायन मिलता है और भी कई प्रकार के रसायन है। वज्र रसायन भी मिलता है उनका एक समय होता है उनका एक काल होता है कि हम तभी उनका सेवन कर सकते हैं है ना लेकिन इसके अंदर बापू जी ने जीवन रसायन दिया हुआ तीसरी पुस्तक जीवन रसायन वो रसायन जब हम खाएंगे जो स्टॉल पर मिलता है वो शरीर को पुष्ट करेगा लेकिन जीवन रसायन हमारे जीवन को पुष्ट करेगा कितने सुंदर ग्रंथ हैं देखिए तीन पुस्तकें हो गई कौन सी हो गई पहले एक ईश्वर की ओर वैराग्य जीवन में वैराग्य अवश्य होना चाहिए वैराग्य नहीं होगा वैराग्य नहीं होगा ज्ञान तो हम लोग सुन रहे हैं गुरु जी का सत्संग चलता है यहां पर सुबह और शाम वैराग्य अगर कमजोर पड़ गया कई लोग सत्संग भी नहीं सुनते सुनना चाहिए गुरुदेव का सत्संग ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होगा तभी हमारी भक्ति बलवान होगी भागवत की कथा हमने सुनी है भक्ति माता रो रही है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है तो वैराग्य ईश्वर की ओर नित्य व्रत रखना है तो गुरु गीता और जीवन रसायन जीवन को यदि पुष्ट करना है तो जीवन रसायन अब अगला ग्रंथ है इसके अंदर गुरु भक्ति योग गुरु भक्ति योग सभी योगों का राजा गुरु भक्ति योग लय योग हठ योग नादानुसंधान योग कर्म योग ज्ञान योग सब योगों को अगर एकत्रित करने वाला कोई योग है तो वो गुरु भक्ति योग है और सर्वोपरि योग है तो गुरु भक्ति योग है और सलामत योग है तो गुरु भक्ति योग है उसके अंदर चौथा ग्रंथ ये है और पांचवा दिव्य प्रेरणा प्रकाश यौवन सुरक्षा पांचवा ग्रंथ उसकी महिमा गुरुदेव कितनी गाते हैं कितनी गाते हैं ये मूल है संयम संयम हमारी साधना का मूल है नींव है तो ये पांच चीजें हैं इसके अंदर यौन सुरक्षा गुरु गीता जीवन रसायन ईश्वर की ओर और, और गुरु भक्ति योग इन पांचों का सवन में हमारे पास है इसको अपने पास अवश्य रखें और रोज इसका पाठ करें पाठ नहीं कर सकते हैं तो संध्या से जुड़ें मंगलमय चैनल पर सुबह और शाम संध्या आती है दोपहर में भी आती है उससे जुड़ें और संध्या से नहीं जुड़ सकते हैं तो खुद हम इन इस ग्रंथ का आदर करते हुए इसका पाठ का नियम ले लें औरों को भी बताएं इसकी महिमा फिर आता है कि गुरु जी ने हमको जो जप करने के लिए दिया हुआ है दस माला कम से कम हम वह अवश्य करें और औरों को भी हम प्रेरित करें केवल देखिए अगर साधना है तो सेवा तो करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे सेवा करने में उछल उछल कर आनंद आता है आनंद उछल के आता है अंदर से गुरुदेव कहते हैं सेवा हो और साधना नहीं हो तो भी गाड़ी ऐसे ऐसे चलेगी और केवल साधना और सेवा नहीं हो तो भी गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती तो ये दो पहिए हैं, और इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि चढ़ी पिपली कहू परम लघु पिपुल मतलब चीटी को बोलते हैं चढ़ी पिपली परम लघु जो सेतु बनाए मतलब जो गुरु जी ने जो सेतु दिया है हमको एक एक शस्त्र दे दिया है एक सेतु दे दिया है कि इसको पकड़कर तुम भावपार हो सकते हो गुरु जी तो इसको चोटी कहते हैं भगवान की चोटी तुम्हारे हाथ में हमने दे दी चोटी गुरु मंत्र तो इसका हम लोग अवश्य लाभ लें औरों को भी दिलाएं। बापू जी ने भविष्यवाणी है बापू जी संकेत में ज के जयरे के त्यारे अने बापू जीनों ए संकेत है कि तुम संगठित हो जाओ गुजरात संगठित थाय अने बापू जी आदेश करो राजस्थानी समिति में जे ચેનારામજીએ વાત કરી અને ત્યાંની જે સંગઠન થયું ત્યાર પછી આપણું આ સંગઠન થવા જઈ રહ્યું છે એમ સમજો કે થઈ જ ગયું છે અને આ સંગઠન બનશે એટલે આપણું ગુજરાત દરેક જગ્યાએ નિમિત્ત બનતું જાય છે અને ગુજરાત મોડેલ જ બને છે જે ગુજરાતની ધરતી ઉપર થાય છે એ આખા દેશમાં થાય છે અને થઈને રહેવાનું છે આ થવાનું જ છે અને એટલા માટે જ બાપુજીએ કહ્યું છે કે સમિતિઓ સંગઠન કરે અને સમિતિનું સંગઠન અહીં થશે ગુજરાતમાં થશે તો આખા દેશ લેવલે થશે અને આખા દેશ લેવલે થશે ત્યારે તમે જોઈ લેજો એનો સમય આવશે એટલે બાપુ આપણને જે આજ્ઞા કરશે આપણે શિરોધાર કરી એને આયા હોમ ફતેહ કરીને આપણે એમાં પડી જવાનું છે તો જ આ લોકો ચમત્કાર વગર કોઈ નમસ્કાર કરવાના નથી અને આપણે બાપુને બહાર લાવવા છે અને બાપુ ત્યારે જ બહાર આવશે કે મેરે બચ્ચે કાં જાયંગે ક્યાં કરેગે કઈ દીધેલું છે ભવિષ્ય બાકેલું છે અને એનો સમય આવશે તારે બાપુ એનો જરૂરથી આપણને સંકેત કરશે કે હવે આમ કરવાનું છે પણ સંગઠન તૈયાર થઈ જાય આપણી બધાની એકતા તૈયાર થઈ જાય ત્યારે જ આ કામ બનશે આનંદ મંગળ કરો આરતી હરિ ગુરુ સંતની સિ આનંદ મંગળ કરુ મા प्रेम धरिे मारे मन्दर पधारो प्रेम धरिे मारे मिर पधारो सुन्दर सुखडल वा। सम हम को न साधक मांगे मांगना प्रभदी जो मोह दो बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो दर्शन जल्दी हो हरि हरि हो ओ।